गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास नाइन्थ का चैप्टर पार्ट फोर बताने जा रहे हैं 2.5 का। तो इस प्रकार से हमारा सवाल है, इसमें उपयुक्त सरसमिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करना है, प्रसार करना है, मतलब उनकी बड़ी संख्याओं में विभक्त करना है। तो हम आप लोगों को सूत्र लिखवा चुके हैं सारे, आपको बताए थे फर्स्ट ही पार्ट में हम कि सरसमिका के कौन कौन से सूत्र उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा है यक्स प्लस 2y प्लस 4z की पावर 2 है, तो यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह कौन सा सूत्र है, सरसमिका का सूत्र है। तो इस पर अब हम लोग रखेंगे a बराबर हमारा x है, b बराबर 2y है और c बराबर 4z है, c बराबर 4z है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र को रखेंगे a की जगह पर x, b की जगह पर रखेंगे 2y और प्लस c की जगह पर रखेंगे 4z। अब हमारा ये वर्ग हो जाएगा बराबर a की जगह पर हो जाएगा x वर्ग प्लस b की जगह पर हो जाएगा 2y का वर्ग प्लस सी की जगह पर हमारा हो जाएगा 4z का वर्ग प्लस 2 × x गुणे 2y प्लस 2 × 2y गुणे 4z प्लस यहाँ पर 2 × 4z गुणे x। अब हम लोग सवाल को लगा देंगे, अब ये हमारा सवाल हल हो गया। तो यहाँ पर 2x वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 × 4y वर्ग हो जाएगा प्लस 4 × 16z वर्ग हो जाएगा प्लस 2 × 4 × 4xy प्लस यहाँ पर 2 × 4 × 4 16 yz प्लस यहाँ पर 4 × 8 यहाँ पर जेड यक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को अपनी लगाएंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है 2x माइनस वाई प्लस जेड की पावर 2। यहाँ पे हो जाएगा ए का मान हमारा हो जाएगा 2x और जहाँ a बराबर है हमारा 2x और b बराबर है हमारा माइनस वाई और c बराबर हमारा है जेड। तो यहाँ पर सरसमिका का सूत्र हो जाएगा, जहाँ सूत्र है हमारा a प्लस बी प्लस सी का हो स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर a बराबर हम लोग रखेंगे 2x प्लस y प्लस z की पावर 2। तो ये 2 यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पर माइनस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × a का मान कितना है 2x है मल्टीप्लाई माइनस वाई है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × − y गुणे हमारा हो जाएगा जेड और यहाँ पे प्लस 2 × z × a का मान हमारा क्या है 2y है, ए का मान हमारा है 2x है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 2 × 4x की पावर 2। अब यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस वाई वर्ग प्लस यहाँ पर जेड की पावर 2 प्लस 2 × 4 और x है y है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, ये माइनस में है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4xy प्लस यहाँ पर भी हमारा माइनस है तो
तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर दो दो वाई जेड प्लस यहाँ पर हो जाएगा दो दूनी चार, दो दूनी चार जेड यक्स, इस तरह से हम लोग सवाल लगाएंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई प्लस दो जेड। जिस तरह से हम लोग पहला सवाल लगाए हैं उसी तरह से हम लोग दूसरा और तीसरा सवाल, मतलब अन्य सभी सवालों को उसी प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा तीसरा सवाल है हमारा a बराबर माइनस दो एक्स प्लस बी बराबर है तीन वाई और सी बराबर है हमारा दो जेड, दो जेड। तो अब हम लोग रखेंगे सर्वसमिका का सूत्र होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो यहाँ पर मान हो जाएगा माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई, तीन वाई प्लस टू जेड। तो यहाँ पे वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस दो एक्स की पावर दो प्लस तीन वाई की पावर दो प्लस यहाँ पर हो जाएगा दो जेड की पावर दो और प्लस दो गुणे माइनस, माइनस क्या होगा माइनस दो एक्स हो जाएगा और प्लस प्लस यहाँ पे थ्री वाई हो जाएगा हमारा, थ्री वाई प्लस दो गुणे थ्री वाई गुणे जेड गुणे टू जेड, टू जेड, टू जेड हो जाएगा। अब यहाँ प्लस दो गुणे टू जेड गुणे माइनस दो यक्स। अब हम लोग इसका गुणांक करेंगे, गुणांक करेंगे तो यहाँ पर माइनस चार यक्स वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा तीन, तीन त्रिका नौ वाई वर्ग प्लस दो दूनी चार जेड की पावर दो प्लस दो दूनी चार, चार दूनी मैं दो दूनी चार, चार तियाई बारह, चार तियाई बारह यक्स वाई, यक्स वाई प्लस दो दूनी तीन दूनी छः, छः दूनी बारह वाई जेड प्लस दो दूनी चार, चार तियाई बारह, चार तियाई बारह, बारह माइनस चार तियाई बारह जेड यक्स। अब इसको हम लोग करेंगे नहीं तो यहीं पर अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर माइनस बारह जेड यक्स इस तरह से मान निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे, यहाँ पर माइनस और माइनस डबल गुणांक है तो यहाँ पे हमारा केवल प्लस होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा केवल केवल प्लस होगा तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा और बाकी संख्याएं उसी तरह रहेंगी। अब हमारा है चौथा सवाल, तो चौथा सवाल है थ्री एक्स माइनस सात बी माइनस सी का वर्ग, यहाँ पर ए बराबर है हमारा तीन एक्स, तीन एक्स और बी बराबर दिया है माइनस सात बी और सी बराबर दिया है माइनस सी, माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग सवाल को लगाएंगे, यहाँ पर तीन ए दिया है, तीन ए दिया है, यहाँ पर तीन ए दिया है हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वसमिका का सूत्र हम बताए हैं तुम लोगों को अभी कि a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस टू ए बी प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, सी ए। अब हम लोगों का मान हो जाएगा यहाँ पे
मान हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर होगा 3a प्लस माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 × 3a × हो जाएगा हमारा माइनस 7b प्लस 2 × -7b × हो जाएगा हमारा माइनस सी। हमारा माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्लस 2 × -c × यहाँ पर 3a रहेगा, 3a रहेगा। अब हमारा यहाँ पे सवाल लग जाएगा, यहाँ पर 3 × 9 a वर्ग हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस क्योंकि हमारा 2 माइनस हो रहा था, यहाँ पर a प्लस में बदल जाएगा तो यहाँ पे प्लस 7 × 7 = 49 क्या होगा 49 बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी वर्ग प्लस। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एक टू दो 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 तिहाई छः सते होता है 42, 6 सते क्या होता है 42 होता है हमारा, तो 6 सते जो 42 आ रहा है तो 42 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस प्लस मिला के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस मिला के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 42ab प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ए हमारा जब दो माइनस आपस में मिलते हैं तो प्लस में हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 × 7 = 14 bc प्लस यहाँ 3 × 6 ये हमारा बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 6ca हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। हमारा एक लास्ट सवाल है हमारा, आखिरी सवाल है हमारा पांचवा सवाल है -2x + 5y - 3z का वर्ग। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा -2x प्लस b बराबर हो जाएगा हमारा 5y और यहाँ पे c बराबर हो जाएगा -3z। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे अपने सवाल को, तो -2x प्लस 5y माइनस 3z। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2x² प्लस 5y² प्लस c का मान है हमारा -3 तो यहाँ पर -3z² प्लस 2 × 2 -2x × यहाँ पर b का मान दिया है 5y प्लस 2 × 5y प्लस × -3z प्लस 2 × -3z × a का मान दिया हुआ है हमारा -2x।
अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा दो दुनी चार एक्स वर्ग प्लस पचवा पच्चीस वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा तीन जेड वर्ग तीन त्रिक्का नौ जेड वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा दो दूनी चार चार पचे बीस माइनस क्योंकि यहाँ बीच में माइनस दिया है यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो दो दूनी चार चार पचे बीस एक्स वाई प्लस होगा कि माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर दो एक माइनस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दो पच्चे दस दस तिहाई तीस वाई जेड अब यहाँ पे प्लस तीन दूना छः छः दूनी बारह जेड यक्स इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।